ये तने को स्ट्रेंथ देता है और फिर उसके बाद पौधा इमीडिएटली ग्रो करना शुरू करता है। हम लोग लाए हैं नाइट्रेट जो डायरेक्टली पेड़ को नाइट्रोजन देता है उसी दिन। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, बोरॉन, फेरस सब कुछ प्रीमिक्स रेडी है। ऐसे बहुत सारे लैंडस्केपर्स, नर्सरीज हैं जो इसको बल्क में भी लेते हैं हम लोग से। स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर फॉर गार्डनिंग, जहां पानी छोड़ेंगे तो ये इस प्रकार का जेल बन जाता है। ये देख रहे हैं आप जेल। आपको फर्टिलाइजेशन भी मिलता है, आपको कंडीशनिंग भी मिलती है, आपका सॉइल वापस रिप्लेनिश हो जाता है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें। दोस्तों आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे अक्सर गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। काफ़ी सारे गार्डनिंग एग्जीबिशन मैं कवर कर चुका हूँ, टेरेस गार्डन भी आपको दिखाए हैं और काफ़ी सारे गार्डनिंग प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखाते रहता हूँ। तो आज बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट मुझे दिखाई दिए हैं। एग्जीबिशन में हुआ था नोएडा के, जो कि है फ्लावर शो, काफ़ी पॉपुलर फ्लावर शो है, हर साल यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं। तो बीच में मैंने काउंटर देखा न्यूट्री पॉट, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, काफ़ी सारे मैंने इनकी रील्स बना के अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट की थी, लाखों में व्यूज़ आए हैं। हॉटी एक्सपो में सर से मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ से पहले, तो यहाँ पे आज फिर से मुझसे सर मिले हैं। मैंने सोचा क्यों ना इनके प्रोडक्ट को जैसे इंस्टाग्राम व्यूवर्स को दिखाया वैसे अपने यूट्यूब व्यूवर्स को भी दिखाऊं, ताकि वो भी घर बैठे इन प्रोडक्ट की शॉपिंग कर सकें। जैसे कि मेरे से सर से बात हुई है, सर ने बताया कि ये प्रोडक्ट इंडिया में पहली बार सर लेकर आए हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, बहुत ही यूनिक इनकी रेंज है। तो बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, आपका वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल पे। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे हमारे साथ काफ़ी सारी रील्स बनवाई थी, लाखों लोगों ने देखा था, 5 से 6 लाख लोगों ने आपकी वीडियो देखी और काफ़ी कमेंट आया, आई थिंक काफ़ी लोग कॉल भी कर रहे होंगे आपको। जी बिल्कुल। आज मैं आपके पास आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो प्रोडक्ट है उनको एक्सप्लेन करें अच्छे से, जितने प्रोडक्ट हैं अच्छे से अपनी रेंज हमारे व्यूअर्स को बताएं, और साथ में ये भी बताएं आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं या नहीं। देखिए संदीप जी, थैंक यू फॉर यू नो हम लोग को होस्ट करने के लिए। देखिए हमने क्या मार्केट में ऑब्जर्व किया, जब हम लोग ने यहाँ पर एक सर्वे किया था, कि हमको लगा कि इंडियन मार्केट जो है रैदर बहुत थोड़ा पीछे की तरफ चल रहा है, क्योंकि उसमें को काफ़ी फॉरवर्ड जाना है, काफ़ी मैच्योरिटी की तरफ जाना है उसको। हमको एक चीज़ लैकिंग लगी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र को अपन यूज़ करते हैं गार्डनिंग में। देखिए उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग चावल रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी हमको पकाना तो पड़ता है पहले, एक बार खाने से पहले, वैसे ही पेड़ पौधों को भी सिर्फ NPK या एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र डालने से काम नहीं होता है, क्योंकि उसका भी बैक्टीरियल कंसोर्शिया होता है जो उसको कन्वर्ट करके देता है। तो हमने सोचा कि गार्डनिंग में एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र नहीं चल सकते, ना गार्डनिंग के फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर में सक्सेसफुल होंगे, तो क्यों ना हम लोग ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो इमीडिएटली काम करते हों फर्टिलाइज़र, और कस्टमर को भी कन्वीनियंस रहे, बहुत आसान रहे यूज़ करने के लिए। तो हम लोग ने इमीडिएट यूज़ करने वाले जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट होते हैं वो हम लोग ने डेवलप किए हैं। मेरा खुद का 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है प्लांट न्यूट्रिशन में, और हमको लगा ये बहुत अच्छा मौका है अपने आप को माने ऐसे प्रोडक्ट लाना, कस्टमर्स को सर्व करना जो इंडिया में मिलते ही नहीं है। और हम लोग ने काफ़ी इकोनॉमिकल कॉस्ट में ऐसी चीज़ें लाए हैं, डेवलप की हैं, जो कोई और बना भी नहीं सकता। इकोनॉमिकल कॉस्ट पे लेकर आए हैं और फर्स्ट टाइम इंडिया में आपने लॉन्च किया है। हाँ जी। और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन तो हम लोग कहाँ कहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं सब चीज़ों को? हम लोग एक्चुअली अमेजोन पे भी हैं, और हम लोग अपना वेबसाइट है www.a2zgarden.com, उस पे भी हम लोग थोड़ा बेचते हैं और उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। उधर भी हम लोग पेमेंट गेटवे और अच्छे नए ला रहे हैं उसमें। और मैनुअल ऑर्डर्स लेते हैं जैसे कॉल वगैरह करके आपको ऑर्डर देना चाहें? हाँ लेते हैं हम लोग, मैनुअल भी लेते हैं। हम लोग का केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड सब जगह से नर्सरीज ऑर्डर देती हैं। मतलब रिटेल और होलसेल दोनों में डीलिंग करते हैं? दोनों करके हम लोग। तो फ्रेंड्स बिना देरी के इनके जितने ही प्रोडक्ट हैं मैं चाहूँगा सर से कि एक एक करके एक्सप्लेन करें कौन सा प्रोडक्ट किस लिए यूज़ होता है, कैसे हमें यूज़ करना है, ताकि आप घर बैठे इन प्रोडक्ट को जब मंगाएं तो ईजिली यूज़ कर पाएँ। तो सारी का सारा आप बताने वाले हैं वीडियो के अंदर, और ये एग्जीबिशन अभी नोएडा में चल रहा है, अगर आप बाय करना चाहें तो आज ही वीडियो में अपलोड कर दूँगा, कल आके आप प्रोडक्ट ले सकते हैं दिल्ली NCR से जो भी लोग हैं, और जो लोग नहीं ले पाएंगे वो इनसे कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन बाइंग कर सकते हैं, डायरेक्टली अमेजोन पर जाकर सर्च करेंगे, वहाँ से भी शॉपिंग कर पाएंगे,
पाएंगे, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस रोजाना मेरे चैनल पे आती रहती हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की। सबसे पहला प्रोडक्ट आप कौन सा दिखाना चाहेंगे सर? सबसे पहले हम लोग सॉइल से शुरू करते हैं। यस, सॉइल में क्या होता है कि आपको फर्टिलाइजेशन भी जरूरत है और कंडीशनिंग की भी जरूरत है, यानी कि आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट वगैरह क्यों डालते हैं? क्योंकि आपको ह्यूमस चाहिए। वैसे हम लोग मशीन मेड ह्यूमस हम लोग देते हैं, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, अमीनो एसिड, थोड़ा सा एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसके बाद आपको ज़्यादा मैंने कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस है और ये आपको एक पाउच एक 20 इंच के गमले के लिए है। अगर आपका 10 इंच के नीचे है तो आधा पैकेट ही आपको देना है। इसमें दानेदार मशीन मेड ग्रैन्यूल्स होते हैं, न्यूट्रीपॉट ग्रैन्यूल्स कहते हैं इसको। इसमें कंप्लीट मिक्स है आपका, आपको फर्टिलाइजेशन भी मिलता है, आपको कंडीशनिंग भी मिलती है, आपका सॉइल वापस रिप्लेनिश हो जाता है। तो सॉइल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग कहते हैं सिंक है, जहाँ पर न्यूट्रिशन जमा होता है। जब भी पौधे को ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसी में से निकालेगा। तो इसमें आपको ये पैकेट भी आते हैं, जो बॉक्स में 30 पैकेट का बॉक्स आता है। आपको 250 ग्राम के पैकिंग भी आती है न्यूट्रीपॉट ग्रैन्यूल्स की, ये आप देख रहे हैं। 500 ग्राम की पैकिंग भी आपको मिलेगी। तो जैसे जैसे पैकिंग बढ़ती जाती है आपका रेट थोड़ा कम होता है। बस इसमें सुविधा के लिए हम लोग ने पहले से प्री पैक्ड एक डोज हमने बना के भी रखी है आपके लिए। तो आप चाहे तो कम छोटा वाला भी लेके आप बाद में एक्सपीरियंस करके बड़ा पे भी जा सकते हैं। ये सर कितने दिन के गैप में हमें यूज़ करना चाहिए? ये सर आपका 20 से 22 दिन के बाद आप एक डोज दे सकते हैं। एक डोज दे सकते हैं जी, ठीक है। अच्छा खासा उसमें न्यूट्रिशन भी है और कंडीशनिंग भी है उसमें। और सभी तरह के प्लांट्स पे चल सकता है ये? सर सारे पेड़ पे चल सकता है ये, इंडोर आउटडोर, आपका वेजिटेबल गार्डन हो चाहे आपका टेरेस गार्डन हो, किसी में भी आप फर्टिलाइज कर सकते हैं। सभी में कर सकते हैं जी, ठीक है। तो बहुत ईजी रहेगा फ्रेंड, तो इनमें से आप ले सकते हैं और जो भी प्लांट्स है सभी पे आप यूज कर पाएंगे। जी सर, नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट है आपका? नेक्स्ट सर हम लोग आते हैं फ्रॉम सॉइल टू फोलियर फर्टिलाइजर, मोस्ट एडवांस फर्टिलाइजर वी हैव, जो हम लोग कहते हैं स्मार्ट फर्टिलाइजर। अभी आप जानते हैं आप एनपीके, यूरिया, डीएपी वगैरह लेते हैं पर वो कभी भी इमीडिएटली काम नहीं करते हैं। उनको नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रेट से पेड़ कंज्यूम करता है, जिसमें 15 दिन लग जाता है आपको। या फिर यूरिया यूज करते हैं तो यूरिएस को, तो यूरिएस एंजाइम हो तो ही पेड़ यूज कर पाता है। हम लोग लाए हैं नाइट्रेट जो डायरेक्टली पेड़ को नाइट्रोजन देता है उसी दिन। इसके अलावा इसमें फॉस्फरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, बोरॉन, फेरस सब कुछ प्रीमिक्स रेडी आता है। और कलर एनहेंसिंग माने ब्राइट कलर निकालने के लिए इसमें अमीनो एसिड भी प्रेजेंट है। तो आपको ये एक टैबलेट 1 लीटर पानी में डालनी है और ये 3 मिनट में स्वतः घुल जाती है पानी में। अच्छा, फटाफट घुल जाएगी, अपने आप घुल जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आपका जो आपने स्प्रे पंप जिसमें आपने 1 लीटर पानी लिया और टैबलेट डाली थी उसी को आपको स्प्रे करना है। ना कोई झंझट है, ना कोई आपको मिक्सर तैयार करने की देरी है, ना कुछ। और आप ये अश्योर कर सकते हैं कि आपके पेड़ को कंप्लीट फर्टिलाइजेशन मिला है। और वो भी जैसे लगभग ये टैबलेट 30 रुपीज़ की एक टैबलेट पड़ती है और लगभग 25 से 26 पौधे आराम से ये कर देती है 1 लीटर पानी। अच्छा, मतलब तो 1 रुपया लगभग एक पौधे पे लगता है। ये लगभग 1 रुपया एक पौधे में, इतना सस्ता सर मार्केट में आपको शायद ही कोई प्रोडक्ट मिलेगा। और इतना एडवांस क्योंकि आपको इमीडिएट डिलीवरी वाले न्यूट्रिएंट ही डाले गए हैं इसके अंदर। तो जरूर ये न्यूट्रीपॉट 40 टैप जरूर लीजिएगा। काफी एडवांस फर्टिलाइजर हम लोग ने इंडिया में बनाया है आप ही लोगों के लिए। कितने बीस की बॉक्स है ये, कितने बीस का पैकेट ये है? वैसे 14 यूनिट का एक बॉक्स आता है। और एक एक बॉक्स में कितने रहते हैं एक पैकेट में? इसमें पांच, इसके अंदर 5 टैबलेट रहते हैं। हाँ, तो ये लगभग 150 रुपीज का इसका MRP है। ओके, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली Amazon पे कस्टमर को थोड़ा बेनिफिट भी देते हैं 30 रुपीज का। ओके, क्योंकि कुरियर कॉस्ट का थोड़ा हिस्सा तो वहाँ डिस्काउंट देते हैं 30 रुपीज का। 30 रुपीज का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट है सर? तो आगे सर हम लोग लेके आए हैं बहुत ही एडवांस फर्टिलाइजर, इसको कहते हैं ऑर्नामेंटल। ओके, अभी आपको जैसे मालूम होगा बहुत सारे पेड़ हैं जिनके बार्क नहीं होता, माने लकड़ी नहीं होती। यस, जैसे आपका केले टाइप के पेड़ हैं या शुगर केन टाइप के पेड़ हैं, अरेका पाम वगैरह हो गए, अरेका पाम हो गया, ड्रेसीना, एग्लोनीमा, फिलोडेंड्रॉन, या बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी तना नहीं होता है। हाँ जी, और आपको ये भी महसूस होगा कि उनकी ग्रोथ भी नहीं होती। आप देखेंगे कि इन्हीं पौधों की ग्रोथ भी नहीं होती, ये मोनोकॉट्स होते हैं। ओके, अच्छा, इनमें क्या खासियत होती है कि जब तक इनकी तना में शक्ति ना आए, जैसे मनी प्लांट भी है, जबकि इसके तने में थोड़ी शक्ति ना आए ये तब तक उगेंगे नहीं ज़्यादा।
तो इनके पत्तियों का स्टॉक जो होता है उसमें भी उनको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो ये बेसिकली जो ऑर्नामेंटल है ये हमने बनाया है, बहुत ही स्पेशलाइज फर्टिलाइजर ओनली फॉर मोनोकॉट्स। ओके, ये पौधे को हरा नहीं करता है बिल्कुल, ये तने को स्ट्रेंथ देता है और फिर उसके बाद पौधा इमीडिएटली ग्रो करना शुरू करता है। और इसमें बेनिफिट क्या है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ग्रोथ अच्छी देता है और इसके बाद आप कोई भी ग्रीनिंग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जैसे हमारा टैबलेट यूज़ कर लिया या रैपिड ग्रीन यूज़ कर लिया, तो आपको ग्रीनिंग भी हो जाएगी और ग्रोथ भी बहुत अच्छी आती रहेगी उसमें। ये आप महीने में एक बार या डेढ़ महीने में एक बार ऑर्नामेंटल यूज़ करें तो आपका तना बनता रहेगा। इसकी प्राइसिंग क्या रहती है सर? ये सर 140 रुपीज़ का 50 ml आता है। ओके, ये आपको 12 से 13 लीटर पानी में, यानी 3 से 4 ml पर लीटर पानी इसका डोसेज है। ओके, और इसको पत्ते पे स्प्रे करते हैं अपन। ओके, ठीक है। मान लो कि हमारे घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स फ्रेंड सभी के घरों में होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप सभी इसे यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं सर, आगे नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? सर नेक्स्ट अपना नीम प्लस करंज ऑयल है, प्रोटेक्ट, न्यूट्रीपॉट प्रोटेक्ट। ओके, अभी नीम जो होता है सर उसके दो काम होते हैं, एक तो होता है एंटीफिडेंट और दूसरा उसका काम होता है ओविसाइडल, यानी कि ओवरी को श्रिवल करना। ओके, तो उसके अलावा ये अडल्ट को मार नहीं पाता है बेसिकली, नीम का तेल है। आपने नोटिस किया होगा नीम का तेल आपने डाला तो पेस्ट चला जाता है लेकिन मरता नहीं है, अडल्ट मरता नहीं है। ओके, या उसको एग देने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो हम लोग ने इसमें करंज ऑयल इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें थोड़ा कंट्रोलिंग इफेक्ट, किलिंग इफेक्ट आ जाता है उसको मिलाने के बाद। तो हम लोग ने डेवलप किया है नीम प्लस करंज ऑयल न्यूट्रीपॉट प्रोटेक्ट। ये 5 ml 1 लीटर पानी में डालिए और स्प्रे करिए और ये इंश्योर करिए कि पेस्ट को एक बार कॉन्टैक्ट कर ले तो आपका पूरा कंट्रोल इसमें होता है। ऐसे बहुत सारे लैंडस्केपर्स नर्सरीज हैं जो इसको बल्क में भी लेते हैं हम लोग से, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि इसी से उनको कंट्रोल मिलता है मीली बग का, वाइट फ्लाई, जैसेड, कैटरपिलर्स ऑल्सो। ओके, तो इसमें हम लोग सॉल्वेंट थोड़ा हाई ग्रेड का यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट अच्छा होने से कॉन्टैक्ट इंश्योर हो जाता है, माने वो वहाँ तने पे ही चिपका रहता है तो कॉन्टैक्ट ज़रूर होता है। तो ये सारे डेवलपमेंट हम लोग ने किए हैं अपने कस्टमर्स के लिए न्यूट्रीपॉट प्रोटेक्ट। नाइस, नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट है सर? सर नेक्स्ट है रैपिग्रीन। रैपिग्रीन, हाँ, जैसे हम लोग का सर ब्लड है, ब्लड में पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसको बनने में लोहे की जरूरत, फेरस पड़ता है, वैसे ही क्लोरोफिल जो पिगमेंट है पेड़ों का उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लगते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फेरस, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स एक साथ दिए गए हैं एक ही प्रोडक्ट में। तो आपका रैपिडली ग्रीन करने के लिए कई बार आपको समझ नहीं आता पीला क्यों पड़ गया भाई हमारा पौधा, जिंक कम है, फेरस कम है, मैग्नीशियम कम है, नाइट्रोजन कम है, तो हम लोग एक साथ ही इसमें सब कुछ दे सकते हैं। और इसकी MRP है 150 रुपीज़। ओके, और हम लोग लगभग 120 में हम लोग देते हैं अमेजोन पे। अच्छा, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट पे डिस्काउंट चल रहे हैं वहाँ पे। डिस्काउंट हम लोग ने पहले ही किया है ताकि कस्टमर्स को कुरियर में हम थोड़ा सपोर्ट कर पाए। ओके, नेक्स्ट इज सर वेरी एडवांस प्रोडक्ट कॉल्ड फ्लोरेट। ये इंड्यूसर है, फ्लावरिंग इंड्यूसर है। इसको हम लोग को पत्ते पे भी स्प्रे करना पड़ता है और 50 ml जड़ में भी डालना पड़ता है। तो अपन क्या करते हैं 5 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करते हैं पहले, उसको स्प्रे करते हैं पत्तियों में और उसी पानी में से 50 ml जड़ में भी डालना पड़ता है। और जड़ में डालना बहुत ज़रूरी है इसका, तभी इसका दोनों तरफ से जो हार्मोन इस पे काम करते हैं। आपका इंड्यूसमेंट शुरू होता है 15 दिन के बाद, क्योंकि जो पौधा फ्लावर ही नहीं कर रहा है कई दिनों से उसको ग्रोथ और फ्लावर करने में 15 दिन लग जाते हैं। बड्स निकालता है, ब्रांचिंग भी करता है वो इससे। इसमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी है ताकि आपका फूल गिरे नहीं उसके बाद। तो हम लोग ने कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलप किया है कस्टमर्स के लिए। इसमें हम लोग ने माने इंड्यूसर्स भी डाले हैं, मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स भी डाले हैं और सॉइल कंडीशनर्स भी डाला है क्योंकि आप सॉइल में भी इसको डालने वाले हैं। तो सब कुछ हम लोग ने कंप्लीट पहले ही सोच के बनाया है इसको, न्यूट्रीपॉट फ्लोरेट। सर जैसे आपने देखा कि ये हम लोग ने पहले बताया फर्टीटैब, हम लोग ने ये टैबलेट की टेक्नोलॉजी डेवलप करी है कस्टमर्स के लिए ताकि कन्वीनियंस हो, जेब में डालो कहीं पर भी घूमो। उसी प्रकार से एक और टैबलेट हम लोग ने डेवलप किया है न्यूट्रीपॉट हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल, okay. हाइड्रोजेल ये टैबलेट आती है 2 ग्राम की। ये बायोपॉलीमर है, माने कि आप सेलुलोज, स्टार्च, लिग्निन ये इसके मेन कंपोनेंट है, माने पेड़ पौधों से ही बना है ये बेसिकली। ओके, इसमें कोई केमिकल नहीं है। Okay. और ये टेक्नोलॉजी पूसा ने डेवलप करी थी अपने भारतीय किसानों के लिए, हम लोग ने उसको और इम्प्रूव करके उसको टैबलेट फॉर्म में
रेडी टू यूज कन्वीनियंट प्रोडक्ट बनाया है, क्योंकि अगर आप कभी भी कुछ प्रोडक्ट इस टाइप के खरीदने जाओ तो 2 किलो 10 किलो के नीचे बैग ही नहीं आता है, तो आपके कस्टमर खरीदेंगे कैसे और फिर उनको यूज करना कैसे। तो हम लोग ने रेडी टू यूज डेवलप किया है, 10 इंच के नीचे का पॉट हो तो उसके जड़ के पास आप इस टैबलेट को डाल दीजिए छेद करके, और जहाँ पानी छोड़ेंगे तो ये इस प्रकार का जेल बन जाता है। ये देख रहे हैं आप जेल, अच्छा ऐसे जेल बन टैबलेट का जेल। तो ये एक टैबलेट जो है 2 ग्राम की 450 टाइम्स पानी सोखती है, यानी कि 100 ml 125 ml आपका पानी हो जाता है। तो ये देखिए आप उतना ही है, तो आपका क्या है कि आपका ये इंश्योर हो जाता है वेकेशन पे जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, तो पीछे आपको पानी देने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा है। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती थी जब भी वेकेशन पे जाना होता था तो वो अपने प्लांट्स के लिए परेशान रहते थे कि उनको वाटरिंग कौन करेगा। तो आप अगर आप घर पे नहीं भी हैं तो भी लगभग कितने दिन तक वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं है सर? सर जैसे आप धूप में रखते हैं तो 3 से 4 दिन समझ लीजिए कि आपको पानी नहीं देना है, लेकिन छांव में रखते हैं तो 7 दिन तक आराम से आप जा सकते हैं। अच्छा, तो सेमी शेड है तो लगभग 7 दिन तक, और अगर आपने प्रॉपर इसको धूप में रखा है तो 3 से 4 दिन तक। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट कोई और प्रोडक्ट है सर? जी हम लोग ने एक्चुअली ये प्रोडक्ट डेवलप किया है ह्यूमिपीट। ओके, ये हम लोग ने कंज्यूमर्स और नर्सरीज के लिए किया है, दोनों के लिए। ओके, ये मोस्टली क्या होता है आप नया प्लांट कुछ लगाते हैं कई जगह, तो 500-600 रुपए का पौधा लिया, 250 रुपए का पौधा लिया, महंगे पौधे होते हैं, लगाने के 2 दिन बाद वो मर जाते हैं, तो नए ट्रांसप्लांट करने के बाद उनकी मोर्टैलिटी हो जाती है। ओके, तो उसमें 2 इश्यू होते हैं सर। एक तो होता है कि वो ट्रांसप्लांटिंग शॉक होता है, पौधे को नई जगह लगाओ तो उसको शॉक लगता है। दूसरा सर रूटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम दोनों चीज़ें एक नेचुरल कैरियर में अगर हम लोग एनक्लोज करते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ने जैसे आप देख रहे हैं ये कोकोपीट में हम लोग ने रूटिंग हार्मोन और हम लोग ने स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन दोनों इंक्लूड किए हैं अलॉन्ग विथ ह्यूमिक एसिड मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम्प्लीट। तो अभी आप पौधा लगाने के बाद कंप्लीट पौधा आपने लगा दिया, उसके बाद 2 चम्मच आप ऊपर से डालिए इसको और थोड़ा पानी रखिए 3 दिन के लिए, कम पानी दीजिए, तो आपका रूटिंग भी हो जाती है और पौधा मरने से बच जाता है। मोस्ट जैसे हम लोग मोर्टैलिटी 30% से 5% पे ला सकते हैं। मतलब अगर अब हम नर्सरी से अपने पौधे लाएंगे तो उसके मरने के चांसेस बहुत कम होंगे रिपोर्टिंग के टाइम। यस यस करेक्ट। और आप उसमें जैसे अगर आपको कोई आप चाहते हैं कि हम एक साथ 4-5 पौधे ला रहे हैं या बाकी का हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 20 पौधे में चला जाता है अक्सर सर ऐसे ही होता है, जाते तो एक पौधा लेने हैं लेकिन आते हैं 5 से 10 पौधे लेके। हाँ, तो आप 5-10 पौधे ले आए तो आपका ये पॉटिंग हो जाता है, बाकी एज ए फर्टिलाइजर भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आप किसी भी पेड़ में 2 चम्मच डाल दोगे तो रूटिंग और कर दिया, ग्रोथ और दे दी, तो आपको क्या परेशानी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कितने का पैकेट मिल जाएगा सर? सर इसकी MRP 120 रुपीज है और ये हम लोग इसमें डिस्काउंट इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि 100 ग्राम का पैकेट है। ओके, और हर चम्मच जो होती है 2 ग्राम की लगती है मुश्किल से, 4 ग्राम में एक पौधा ही बच जाता है। 120 में कितना बताया आपने? 120 में 100 ग्राम आता है। 100 ग्राम मिल जाएगा जी। ठीक है, तो ये एकदम ड्राइड है एक्चुअली, ड्राइड में ना इतना बड़ा वॉल्यूम आता है इसका। ओके ठीक है, तो इसमें बड़े बैग भी मिल जाते हैं आपके पास? बड़े बैग एक्चुअली नर्सरीज लेते हैं। अच्छा, 4 किलो 10 किलो आपके थ्रू नर्सरीज में भी सप्लाई है? हाँ नर्सरीज, ये जो है ग्रैन्यूल, ये बहुत सारी नर्सरीज अपने पेड़ों को ग्रोथ के लिए आपको लेती 200 किलो 400 किलो ले जाती हैं। अच्छा, मतलब आप रिटेल तो कर ही रहे हैं साथ ही में होलसेल में भी डीलिंग है, तो कोई अगर नर्सरी इस वीडियो को देख रही है वो भी कॉन्टेक्ट कर सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये सारे के सारे इनके प्रोडक्ट हैं, सभी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं अमेजोन पे भी न्यूट्रीपॉट अवेलेबल है, प्लस में सर को आप डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं, मैनुअल ऑर्डर भी दे सकते हैं, और इनकी वेबसाइट पे भी काम चल रहा है तो डायरेक्टली आप वेबसाइट पे भी इनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ये है सर का विजिटिंग कार्ड और ये मेरा नंबर है 9597233111, और ये नंबर स्क्रीन पे भी अभी चल रहा है तो डायरेक्टली आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ और भी पूछना चाहते हैं सर से तो भी कॉल करके बात कर सकते हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन है अपने प्लांट से रिलेटेड वो भी आप बात करके। मेरा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर में बहुत लंबा काम रहा है, फॉर्मुलेशन डेवलप करना, सेल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये सारे में हम काफी टाइम रह चुके हैं। तो आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो जरूर पूछिएगा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जो अपना इंडिया का मार्केट है वो एक्चुअली वेस्ट को फॉलो करता है थोड़ा सा, कुछ दिनों बाद
वही होता है जो किसी मैच्योर मार्केट में होता है। अब मैच्योर मार्केट में आप देखेंगे कि फर्टिलाइजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन यूरोप एंड यूएस अदर देन मीडिया। मीडिया में जैसे आपको कंपोज वर्मी कंपोज वगैरह वो छोटा हो जाता है बाद में, और ये क्योंकि जो पेड़ की एक्चुअल ग्रोथ तो फर्टिलाइजर से ही आती है और वो भी स्पेशलाइज फर्टिलाइजर फॉर गार्डनिंग। तो हम लोग ने पहले से ही इन्वेस्ट कर दिया है इसी सेक्टर में जो बहुत आगे जाके बहुत मेजर सेक्टर बनने वाला है। आशा है न्यूट्रीबॉट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, तो इन प्रोडक्ट की आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे हैं, तो आप इनसे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अमेजोन पे सारे के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, डिस्काउंट्स भी वहाँ पर मिल रहे हैं, तो वहाँ से भी आप शॉपिंग कर पाएंगे। और सर की जो कंपनी है वो मुंबई से है, तो मुंबई से भी काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे, तो वो भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी नर्सरीज कॉन्टैक्ट करके प्रोडक्ट लेना चाहती है तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स होंगे। हाँ, उनका अलग प्राइजिंग सिस्टम है, उनका लोग उनका बहुत ख्याल रखते हैं। तो आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिनकी भी नर्सरीज है, और इन प्रोडक्ट को आप अपने प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं, रोज़ वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो करिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, इन सभी प्रोडक्ट की रील्स वहाँ पर अपलोड हो रही हैं, तो आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर रील्स इनकी देख सकते हैं। मिलता हूँ जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।